हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एमडी प्रेजेंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एमयूआई 9 थीम कस्टमाइजेशन के बारे में। अगर आपके पास एमआई का स्मार्टफोन है तो इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग आपको बताने वाला हूँ थीम्स कस्टमाइजेशन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रेगुलर करता हूँ, आज भी करूँगा दोस्तों। अगर आप एमडी प्रेजेंस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। ये घंटी को, ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये घंटी को बेल आइकन को दबा देंगे तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है होम स्क्रीन पर दोस्तों। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों उसके बाद जाना है आपको थीम्स में। तो चलिए थीम्स में चलते हैं। थीम्स में जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले, फर्स्ट टाइम अगर थीम्स में आते हैं दोस्तों, आपको जाना है आप प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ लिखा है थीम्स, थीम्स में जाएंगे। यहाँ आप डिफ़ॉल्ट थीम को, अगर आप डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई नहीं कर रखे हैं तो फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट थीम को अप्लाई कर लें दोस्तों। डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको कुछ थीम डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं बता दूँ कौन कौन सा थीम डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ सर्च बार देखिएगा, सर्च बार में टाइप करना है 666999, फर्स्ट थीम है, इसको डाउनलोड करना है दोस्तों। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा थीम डाउनलोड करना है। तो पहला थीम आप डाउनलोड करेंगे फुल ऑफ लाइफ। इस थीम का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला थीम है फुल ऑफ लाइफ, दूसरा है 666999, उसके बाद है तीसरा एबसेंट एनवाई, तीसरा है एबसेंट एनवाई। इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको एक वॉलपेपर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वाइट कलर का वॉलपेपर है ये वॉलपेपर। आपको सिंपली सर्च बार में जाना है, सर्च करना है आपको सिर्फ वाइट। जैसे आप वाइट सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ नीचे देख लीजिए यहाँ वॉलपेपर आ जाएगा, सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको जाना है फिर से थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाला थीम अप्लाई करना है। फर्स्ट थीम ये है, उसको अप्लाई करना है, एबसेंट को अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम। तो चलिए मैं एबसेंट को अप्लाई कर लेता हूँ। एबसेंट थीम को मैं अप्लाई कर लिया हूँ। यहाँ देख लीजिए इस टाइप का आइकन आ गया है, इस टाइप का नोटिफिकेशन आ गया है, देख लीजिए दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन इस टाइप का आ गया है। और कॉल में जाएँ तो कॉल में भी इस टाइप का आ गया है दोस्तों। यहाँ SMS भी देख लीजिए, मैसेज में भी दोस्तों ये आ गया है। तो उसके बाद फर्स्ट थीम अप्लाई हो गया एब्सेंट, उसके बाद फिर से जाना है आपको थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद दोस्तों एक वॉलपेपर अप्लाई करना है सबसे पहले दोस्तों। तो चलिए मैं वॉलपेपर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ जाना है प्रोफाइल में, वॉलपेपर में ये वाइट कलर का वॉलपेपर है, इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं। ओके, सिर्फ सेट होम स्क्रीन पर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर से दोस्तों बैक हो जाना है। बैक होने के बाद फिर से जाना है आपको, यहाँ नीचे लिखा है कस्टमाइज थीम्स। कस्टमाइज थीम्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आपको जाना है, यहाँ आप देख लीजिए 666999 का लॉक स्क्रीन को आप सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देना है दोस्तों। उसके बाद बैक होना है सिंपली दोस्तों। बैक होने के बाद जाना है आपको दोस्तों फिर से स्टेटस बार में। स्टेटस बार आपका कंप्लीट हो गया, इसमें नहीं जाना है, आइकन में जाना है। आइकन में जाने के बाद ये एक आइकन है फुल ऑफ लाइफ का, ये आइकन मुझे बहुत पसंद अच्छा लगा इसलिए मैं इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। ये है फुल ऑफ लाइफ का आइकन, इसको अप्लाई कर देना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली फिर से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद आपको मिल गया मैसेज, तो अप्लाई हो चुका है, डायल पैड अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन में आपको अप्लाई करना है सिंपली। यहाँ आप देख लीजिएगा 666999 को होम स्क्रीन में अप्लाई कर देना है दोस्तों सिंपली। उसके बाद होम पे आ जाना है। जैसे आप होम पे आ जाएंगे तो आपके सामने बहुत ही अमेजिंग लुक दिखेगा, देख लीजिए दोस्तों यहाँ कितना अमेजिंग आइकन है। सभी आइकन आपको चेंज मिलेंगे। अगर और भी आइकन आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐप में आइकन नहीं मिलता, लेकिन इसमें पूरी ही आइकन है और सब चेंज मिलेगा दोस्तों। स्टेटस बार आप देख लीजिए आपके सामने है, बहुत ही अमेजिंग स्टेटस बार है दोस्तों। और डायलर पैड भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों देखने में, डायलर पैड भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद SMS का आपको दिखाई दिया था मैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है दोस्तों। इस टाइप से जरूरत के हिसाब से इससे अच्छा भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दोस्तों बता दूं। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों ये लाल बटन दबा के एमडी परजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ये बेल आइकन को घंटी को दबाना दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को घंटी को दबा देंगे मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आपको मिल जाएगा सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू दोस्तों।